Oh.
श्रीनिदानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करुण सुप्रेम अशुभ हर करुण इश्क ना आवे पहचान बिना साथे एक एक चरण चौबाई के अंदर पंच रोशनी का प्रकरण है सुंदर साथी। इश्क ना आवे पहचान बिना जब तक सुंदर साथी हमें श्री राजीव राय के स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब तक हम उन पर फना हो जाएं। इसका आने का मतलब समर्पण हो जाना। यहाँ दुनिया में लोग दृष्टांत तो देते हैं क्षमा और परवाने का, लेकिन दुनिया ना समझ पाई कि परवाना क्षमा का आशक है जाके दुश्मन है। बड़ा उलट ज्ञान है। दुनिया वालों की बुद्धि उल्टी करती है। वो समझते हैं क्षमा पे जलते हैं परवाने के, तो बता दो कैसे, जैसे वो आशक होते हैं। अरे मानो मैं किसी का आशक हूं और माशूक मेरे सामने आ जाए तो मैं मर जाऊंगा या कि मेरा और भी दुख दूर हो करके गुल गुलजार हो जाऊंगा। जैसे ही परवाना दीपक पतंगा क्षमा को देखता है तो तुरंत उसकी फर्स्ट ट्राई क्या होती है, या तू रहे या मैं रहे, तू सत्यानाशी है मेरा। क्षमा को कहता है वो क्षमा तू सत्यानाशी है क्योंकि मैं अपने प्रीतम का सुहाग का मजा ले रही थी, किसमें अंधेरे में तूने मेरा सुहाग छीना है। और अंधी दुनिया बड़े बड़े गांव हो बड़े बड़े शायर लोग अपनी पटंगे मार रहे, परवाना आशक है क्षमा का। और अकल के अंदर सोच के देखो अगर वो आशक है उसको क्षमा मिल गई तो उसको सड़ के जल राख हो जाना और फिर उसी के ऊपर मरता है। दीपक कहे दीपक को, ध्यान के साथ पतंगा कहे पतंग को, जल में दीपक दिखाऊं तो है तो समझी कहते हैं या तो वो पतंगा नहीं है या फिर उसने दीपक नहीं देखा। दीपक वो कमबख्त वस्तु है परवाने के लिए, पतंगा क्षमा जो है दीपक जो है पतंगे के लिए, क्योंकि उसने सुहाग लूटा है। इसलिए वो कहता है कि जब तक ये जलता रहेगा तब तक मैं अपने प्रीतम से मिल नहीं सकता। फिर उसी वक्त कहता है तूने मुझे क्या समझ रखा है, मैं आशक हूं ठीक है, अग्नि की ताकत ज्यादा होगी, फना करता है कि नहीं करता या किसी को बताने देता है, और दो जने मिलके चलेंगे शायद मैं अकेला ना बुझा सकूं तो तू बुझाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं फिर वो पतंगा ही जिसका सुहाग लुट जाए, अब लूटने वाले के साथ वो प्यार करे तो फिर समझ लो या तो वो आशक नहीं या उसका कोई मशूक है। ये किसको जगाया है, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो तुम्हारे मशूक, तुम्हारे उस अखंड मालिक अश्रातीत अल्लाह ताला श्री राजीव राय को झूठी दुनिया ने छीन रखा है, इस परिवार ने तुम सबको छीन रखा है तुम्हारे राज्य को और तुम इनके लिए मर रहे हो। तुम्हारे सामने ये आड़े आ रहे हैं और कहलाते हो आशक परम धाम, तुम्हारी जान अड़ रही है बच्चों के लिए, तुम्हारा जान अड़ रही है तब तुमसे छुट्टियां लेने के लिए, तुम्हारी जान अड़ी पड़ी है चार तुम दुकान कैसे बंद कर देंगे, जाना परम धाम चाहते हैं। स्वामी जी कहते मेरी बुद्धि थी पहले मुझे होश नहीं, आप बता रहे हैं कि होश आती क्यों नहीं है, इसके हृदय में लगता क्या नहीं है। मरना जो है हमको मौत के नजर आती है, दुनिया के फना दुनिया में हम फना हो सकते क्यों नहीं है, क्योंकि इश्क ना आवे पहचान इश्क कोई माला फेरने से नहीं आता। इश्क की पहचान ही तब होती है
जब उसकी पहचान हो, क्योंकि इश्क का स्वरूप क्या है, वो खुद जो है राजी महाराज, वो खुद अल्लाह ताला जो है। क्या कहा था, कोई बताएगा इसका अर्थ? माशूक कहा मोहम्मद, दाढ़ी वाले बड़े बड़े चले फिरते रसूल साहब पैगंबर है, जाओ रे जाओ पैगंबर कह के भी उस पर कलम करता है। अल्लाह का पैगंबर को पहुंच सकता है अल्लाह ताला के बिना? कौन पहचानेगा? क्या रोजे रख के रमजान रख के लोटे खा के मस्जिदों में सिर फोड़ करके उसकी पहचान हो जाएगी? नहीं, ये तो शरीयत है। जहां शरीयत है वहां अल्लाह ताला भी नहीं, वहां खुदा भी नहीं, वहां इश्क ही नहीं है। और जहां इश्क है वहां शरीयत है नहीं। शरीयत किसकी, किसकी शरीयत? कौन समझेगा यहां? इसलिए समझी क्या कह रहे हैं, साचेत होकर के, इश्क ना आवे पहचान बिना, सो मोको दे पहचान। इश्क नहीं, मोको क्या दिया? पहचान। और जब पहचान आ गई तो इश्क अपने आप आ गया। हमें पहचान नहीं हुई राजी महाराज की, तभी सुंदर साहब जी ने तो जिस हमें ये पहचान हो गई कि वो मेरे राजी महाराज आए थे यहां, तो वो मिलेंगे मुझे कहां जिनसे मेरा वैर हो रहा है? उन्होंने पहले से करवा दिया ताकि उन्हें गुम ना हो जाए परम नाम में से जाकर के दुनिया में और मुझे ढूंढती फिरे। तो पहले ही रसूल साहब से जो है क्या सुनवा दिया रसूल साहब ने। अब सबकी आत्म जब अर्शे अजीम में गई तो पूछने लगे, ऐ हजूर अल्लाह ताला, जब आप अर्श से फर्श पर उतरोगे तो किस ठिकाने पर मैं आपकी मस्जिद बनाऊं और हीरे को हाथों से उसको सजा दूं? क्योंकि आप तो मस्जिद में आके पहला कयाम करेंगे ना, उतरेंगे जब। तो कहने लगे, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं ज्यारतों में मिलूंगा, ना मैं तीर्थों में मिलूंगा, ना मैं हज्जों में मिलूंगा। ये फानी दुनिया वालों के लिए शरीयत। जो दिल है उस दिल में मेरी बैठे, मैं अर्श में भी नहीं रहता, तुझे मिलने के लिए मैं अर्श में मिल रहा हूं। हकीकत में मेरा ठिकाना मेरे मोमिनों का दिल है, मैं अर्श में भी मोमिनों के दिल में रहता हूं और फर्श पर भी मेरे मोमिनों का दिल ही मेरा ठिकाना। और वो चवैया हम यहां अब पढ़ते भी हैं कि अर्श कहा दिल में, वो तो लोगों से अर्श कहा दिल में, और हमारी लड़ाई किन से, हमें बदबू किन से आती, हमारे दुश्मन कहा, हमें बातें किन किन अच्छी लगती, हमें गुस्सा किन भी आता है, हम अवगुण किन के ढूंढते फिरते हैं, यही है बात। और मेरे राजी महाराज आए थे यहां, तो वो मिलेंगे मुझे कहां जिनसे मेरा वैर हो रहा है? उन्होंने पहले से करवा दिया ताकि उन्हें गुम ना हो जाए परम नाम मन से जाकर के दुनिया में और मुझे ढूंढती फिरे। तो पहले ही रसूल साहब से जो है क्या सुनवा दिया रसूल साहब ने। अब सबकी आत्म जब अर्श अजीम में गई तो पूछने लगे, ऐ हजूर अल्लाह ताला, जब आप अर्श से फर्श पर उतरोगे तो किस ठिकाने पर मैं आपकी मस्जिद बनाऊं और हीरे को हाथों से उसको सजा दूं? क्योंकि आप तो मस्जिद में आके पहला कयाम करेंगे ना, उतरेंगे जब। तो कहने लगे, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं ज्यारतों में मिलूंगा, ना मैं तीर्थों में मिलूंगा, ना मैं हज्जों में मिलूंगा। ये फानी दुनिया वालों के लिए शरीयत। उस दिल में मेरी बैठे, मैं अर्श में भी नहीं रहता, तुझे मिलने के लिए मैं अर्श में मिल रहा हूं। हकीकत में मेरा ठिकाना मेरे मोमिनों का दिल है, मैं अर्श में भी मोमिनों के दिल में रहता हूं और फर्श पर भी मेरे मोमिनों का दिल ही मेरा ठिकाना। और वो चवैया हम यहां अब पढ़ते भी हैं कि अर्श कहा दिल में, वो तो लोगों से अर्श कहा दिल में, और हमारी लड़ाई किन से, हमें बदबू किन से आती, हमारे दुश्मन कहा, हमें बातें किन किन अच्छी लगती, हमें गुस्सा किन भी आता है,
हम अवगुण किन के ढूंढ दे सकते हैं, यही है बात। और वो एक स्वामी जी कहते हैं कि मैं भूली थी, धनी थके जगाए जगाए, बार बार रानी से कहते थे वो इंद्राज जी की आत्म भाई, ये गुण अवगुणों से परे है आत्म जो रूप अल्लाह ताला की है, उसके अंदर पाक और नापाक का सवाल ही नहीं पैदा हो। अगर तू अवगुण ढूंढना नहीं चाहता है तो क्या कर, आदमी कभी अपने अवगुण अपनी कमियां नहीं देख सकता। तूने अवगुण ढूंढने सतपुर देख कर निराज वाणी में साफ तक सामने का कि अगर तूने अवगुण ढूंढने हैं तो मेरे अवगुण तुझे बड़ी जल्दी नजर आ जाएंगे। तू अपने अवगुण नहीं ढूंढ सकता, तब आंख खुल तब जो है चरणों पे गिर पड़े। और फिर उस दिन के बाद देव चंद्र नहीं जाना, उस दिन के बाद उनको धाम का धन साचेत होकर के इश्क नावे पहचान बिना। पहचान किसकी, शरीर की नहीं, पहचान श्री राज्य महाराज की। सो मौको दे पहचान के मुझे पहचान कर, तभी तो आगे चल के कहते हैं पूरी पहचान भई पीयूषो धरे महामति नाम। अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री, जब तक पहचान तब तक ना हमें अपने स्वरूप की परातम का पता चलेगा और ना श्री राज्य महाराज का पता चलेगा। लाख साल प्रणामी बन जाए तो क्या हो जाएगा, उसके लिए भी कह दिया कभी सौ साल बिना साथ में और धनी अनुभव सौ है। मूल अंकुर मूल आतंक परातम की जब तक पहचान नहीं होती, सुंदर साहब जी कुछ नहीं। इसलिए इंद्रा जी कहती है मैं अभी तक अपनी सुना रही हूं तो मुझे क्या दिया, पहले मुझे अपनी पहचान दिया। और जब पहचान दिया तो फिर साचे तो इश्क नावे पहचान बिना सोमो को दई पहचान। अब साचे तो जो दई बातें, फिर मुझे क्या दिया पहचान के बाद, या पहचान हो गई मुझको कि मेरे सामने कौन है, मेरे धाम के दुल्हन है और मैं इनकी अंगना हूं। ये पहचान जब होगी तो फिर मुझे इश्क नहीं दिया, क्या दिया, दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत अपनी अंगना जान करके राजीव राय ने अपने दिल का सारा दर्द दुखा मुझे दे दिया। तो जब उन्होंने अपने दिल की सारी बातें दे दी तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है और किस तरह से इनको व्यवहार में लाना है। मैं ना कछु जानी पहचानी, पहले की बात अभी वही लिख चल रहा देवचंदी वाला, मैं ना कछु जानी पहचानी मुझ पर करी मेहनत, के तू कहां भाग भाग के बिन प्रणाम करने जाएगी, जाने नहीं दूंगा, बड़ी मेहनत की पीछे भगाया आदमी, समझाओ नहीं सर भागे जाता जाए मरे मरे चेलों का सवाल नहीं, आप उनके दल के फिर जो है मेरे पर मेहनत कर के नाम है अभी आत्मनिर्भर ने तो इसको कर लो और प्यार लो और मुझ पर करी मेहनत, मैं इश्क ना जानी निस्बत, जब मेहनत भी मेरे पर कर रहे थे तो मैंने ना अपनी निस्बत जानी और ना ही असल के इश्क को जाना कि भी इनको मेरे से क्या गर्ज है, ना तो संसार के मामा है ना चाचा है, वो कास्ट जाति है और वो क्षत्रियवंश है, दोनों का मेल ही किसी ठिकाने पर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरे पर बराबर मेहनत की उन्होंने। मैं इश्क ना जानी, ना तो मैंने इश्क उनका प्यार जाना और ना अपने संबंध को पहचाना, ना तो मोहे देरी हक न्यामत, क्या कह रहे कि सुंदर साजी नहीं तो उन्होंने परम धाम का मुझे जागृत बुद्ध का तारतम ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी मैं ना ये समझ सकी कि ये मुझे ही सारी बातें तुम बता रहे, यहां तक भी उन्होंने बता दिया जब तक शाह कुंडल शाह कुमार नहीं जगेगी तब तक परम धाम नहीं जा सकती और वो तेरी से जगी।
शास्त्रों में विद्यानंद पद निष्कलन का तार जो लिख रखा है वो तुम्हारे अंदर ही राज्य महाराज बैठेंगे तब रहे। और जो रसूल साहब ने कहा था कि फरदा रोज को अल्लाह के अरबी सदी में आएगा, तेरे तन के अंदर ही श्री राजीव राय बैठ के और औरंगजेब के दरबार में जाकर के अपने आप को अल्लाह ताला की इमामती आ गए ये जाहिर कर दे। सबको सुन कहते हैं कि परिधान की जागृत बुद्ध भी मुझे दे दी, सारा कुछ भी दे दिया, पर जागृत बुद्ध आने पर भी ना तो मैंने निस्बत जानी और ना ही उनके इश्क प्यार को समझा। इश्क पहचान ध्यान के साथ सुंदर सा जी, इश्क पहचान ना निस्बत। ऐसी जगह पर शब्द फिट कर दिया कि गोते खाओ क्या क्या कह रही, कि मुझको क्या किसकी पहचान नहीं हुई, ना मुझे इश्क की पहचान हुई और ना ही मुझे निस्बत की पहचान हुई। क्यों? सब फरेबे दिए भुलाए। एक फरेब का जो मेरा तन था, एक कंबख्त बीच में आड़ा आता था और मैं चाहता था कि जैसी चर्चा ये करते हैं वैसी चर्चा नहीं। ये फरेब मेरे दिल कि मैं भी इन तरह से जो है क्यों ही खुदा बन जाता। सुंदर सा जी ऐसे फरेब के इस वजूद, ये फरेब का मतलब ये वजूद जो मेरा है यही एक सबसे बड़ा फरेब है, यही सबसे खुदा के बीच में और हमारे बीच में बढ़ता है। यही फरेब जो है हमें राज्य के निकट जाने नहीं देता, यही पर्दा जो है हमें उससे शर्म कराता है, ये पर्दा ही हमें उसे दूरियां कराता है, ये पर्दा ही हमें मैं और तय में डालता। और इस पर्दे को मारना अगर इतना आसान होता तो औलिया अम्बिया तीर्थंकर अवतार और देवी देव जितने भक्त मनी जाना जितने भी जो है संसार के पीर मुर्शिद हुए वो कभी खुदा से दूर ना हो, क्योंकि ये पर्दे की मैं जो है एक किसी से आज दिन तक ना मरी है ना मर सकती है। स्वयं मोमनों को, मोमनों के पास वो चीज शेरा दिवरा ने दे दी है जो वजूद की मैं खुदी को मिटा सकती है और वो खिलवत के तीसरे पे दूसरे पे गर्म में है। मैं बिना मैं मरे नहीं। अब वो मैं बिना मैं का क्या मतलब कि इस वजूद की मैं को मारने के लिए जब तक श्री राजी महाराज की मैं अंदर आके नहीं बैठेगी तो उसकी मैं कब अंदर आके बैठेगी, जब हमारी मैं मरे। जीते जी हम अपने को फना कर देंगे। तो सुंदर साजी ये है राजी से मिलने का रास्ता, आइए। इतनी वाणी मिलने के बाद भी हमारी बाकी क्या रह जाती है, हमें कौन रुलाती है, हमें कौन दुखी करती है, हमें किसने उदास कर रखा है, मोमनों के खिले हुए चेहरों को मुरझाया किसने हुआ है। इस शरीर की यही मार रही, ये ना हंसने दे रही है, अंदर अंदर ये मैं हमको सड़ा रही। दावा नल जले कई भान, रात को सो रहे नींद नहीं आ रही, किसने जला रखा, रही तू नींद क्यों नहीं करता, ये नींद आ नहीं रही क्योंकि अंदर क्या सड़ रहा है, आम सड़ रहा है, इसने इसको कल ठीक करना, रात बीत रही है वो कल ठीक करना, ये अहंकार अंदर सड़ रहा है, किसी ने आग लगाई। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि ये माया मैं खुदी क्या है, दावानल है। दावानल का दृष्टांत क्यों दिया कि सुंदर सा जी दावानल जंगल लकड़ी ऐसी है, प्राकृतिक गुण उसके अंदर है कि जरा हवा चली और एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी जरा रगड़ खाई नहीं ऑटोमेटिक आग लग जाती है, उसके अंदर गुण है। इसी तरह से हमारे अंदर दूसरे की बात आ जाए कि मेरे भाई की आज भाई की एक मां के बेटे 10 लाख की लाठी खाई है और मेरे घर तो जो कहते हो रात भर नींद नहीं आने खाए खाए, मेरी लाठ निकल जाती सत्यानाश हो जाए, मेरी क्यों नहीं निकली। अच्छा भाई का वो मरेगा, ये दावा और अब हम सुंदरता वाणी परमधाम के सलाम किससे, अरे भाई इसका प्रबंध करो, ये इतनी बातें ऊपर करता जा रहा, इसका कोई ना कोई इंतजाम करो, ये सारा कर दे। और उधर हम कहते हैं जो कुछ होता है राज्य महाराज के हुक्म से होता है, राज्य का हुक्म तो हमको अच्छा लगता है।
वो एक हमारे अंदर अवगुण हो जाता है, तब हमारी रगड़ पट्टी करते हो, इसके अवगुण निकालने के लिए इसको जलालत दो, सीधा हो जाएगा। पर हमको जलालत भी भरती नहीं, गुण हमको ठिकाने नहीं रहने देते, अहंकार आ जाता है और जलालत हमको भाती नहीं। आज बात वो याद आ जाती है भाती शब्द कहते साथ अपने परम प्यार भरे स्वरूप अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में हमारे आर्य समाज के मंच पर बैठे हुए, तो वहां के मंत्री महोदय सुंदर साथ के माध्यम से उनके मंच पर चले गए। मैंने कहा महाराज जी आर्य समाज के मंच पर जा रहे हैं, भाई क्या बात है, वो भी तो अपने वेद हैं, चलते चले गए। तो मंच मंत्री ने बड़ी कृपा करके, क्योंकि गैर समाज के थे ना, आर्य समाज जी तो महाराज जी थे नहीं, तो बड़ी पहले तो जैसे किसको टांग देनी होती है ना कि सज्जनों हमें आज बड़ी खुशी हमारे समाज में प्रणामी समाज के कंड प्रखंड पंडित महाराज श्री जी पंडित चले गए थे, क्योंकि उनकी सभा में तो पंडित भी बोला जाता है, महाराज श्री जी निजानंद आश्रम शेरपुर से पधारे थे और वेदों के बड़े ज्ञाता थे। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि चारों वेदों का सार जो है 5 मिनट में हमारे सामने रखे, और ये बात रखे कि इतना ज्ञान 5 मिनट में वेद का शहद गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो ध्यान के साथ बड़ों की बड़ाई बता रहा हूं आपके सामने, जिन्होंने मैं खुद ही को मिटाया होता है। पांच मिनट में वेदों का सार बताए और साथ ये भी बता दे, और भी है अभी बताने वाला, 5 मिनट है उसमें वेदों का सार भी बताना है, और क्या बताना है कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आज हम दुखी क्यों, कि हम देखते हैं यहाँ का साधु भी दुखी है, यहाँ का महात्मा भी दुखी, यहाँ का गृहस्थी भी दुखी, यहाँ का फकीर भी दुखी, यहाँ का राजा भी दुखी है, सारे ही दुखी क्यों है। ये सार वेदों का बस यही बता दे 5 मिनट में। महाराज जी बैठे कहने लगे भाई मैं मंत्री महोदय जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने 5 मिनट दिए, इसमें से 3 मिनट तो किसी और को दे दे, मैं 2 ही मिनट में बता देता, क्योंकि इन्होंने इतनी कृपा जो कर दी है अपने मंच में से हमको 5 मिनट दिए तो ये तो बहुत कृपा कर दी, पर इसमें 3 मिनट हम इनको वापस देते हैं, कोई और वक्ता इनका बोलेगा, अब 1 मिनट तो मेरा हो गया और 1 मिनट में मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर जिसको शक होगा वो मेरे पास आ जाएगा। हम क्यों दुखी हैं, अब ध्यान के साथ नोट कर लो, फिर समय ना आए तो कमरा नंबर 21 में जो होता है हमें भाता नहीं। नंबर 1 समझ लगे, उसकी तरफ से जो होता है वो हमें भाता नहीं, जो हमें जिसको चाहते हैं वो रहता नहीं। दो बातें, एक और, 1 मिनट में 3 बातें, जो होता है हमें भाता नहीं, जो हमें भाता है वो रहता नहीं, जो हम चाहते हैं सो होता नहीं। भाई ये तुम्हारा उत्तर है, अब इससे परे जो वेद में लिखा हुआ है वो वेदों के आचार्य श्री जी और महान लोग जो है वो आकर के व्याख्या कर दे, ताकि मेरे जैसे बुद्धों की भी आंख खुल जाए। नमस्कार। कौन लाएगा उत्तर यहां से आपको, सुंदर सागी कितना ऊपर की जबई को लोग के राती आए हमारे साथ हैं, वही इश्क वही प्यार और वही निस्बत हमारे से निभा रहे हैं, पर हम उनको पहचान नहीं रहे, इसलिए हम दुखी, इसलिए हम दुखी। ये तो सुंदर सागी जिनके पास उस वाहिदत का खजाना आ जाए उसका चेहरा मुरझाना सही, इस झूठे से वजूद के मान अपमान और हानि के कारण लुट गए, क्या रह गया, आप तो ऊपर नीचे कमरों में बैठेंगे, बाहर नहीं जाना हमने किसी से, ना जाएंगे ना किसी से मिलेंगे, ना कोई लड़ाई होगी ना झगड़ा था, चुप तुम्हारे उसके मोमन आभार प्रकट करते हैं तुम्हारे व्यवहार किसे नहीं बोलना चाहते। सुंदर सास और सुंदर सास के दिल में किसी ना किसी के दिल में तो बैठा ही होगा, हम उनको देखना नहीं चाहते, ना उनको देखेंगे ना हम लड़ेंगे ना हम कर लेंगे, क्या जाएंगे माया की गोद लेंगे। ये थी भूल जो इंद्रावती कह रही है कि मैं ना समझे, उन्होंने बड़े प्यार दिए, बड़ा लाभ दिया, हर प्रकार से जगाया, बार बार जगाया,
फिर भी जब मैं ना जागी तो मुझे छोड़ा नहीं, नहीं जाके ना मुझे मेरे ऊपर क्या की मेहनत, बार बार एक तरीके से मैं नहीं देगी दूसरे तरीके से, दूसरे से मेरी अर्थ नहीं देगी तो मुझे तीसरे तरीके से लगाया। ध्यान के साथ सुंदर था जी, मुझ पर करी मेहनत फिर मैं इश्क न जानी निस्बत, ना मैंने उनकी निस्बत संबंध को जाना और ना ही मैंने उनके परम धाम वाले इश्को प्यार को मैंने नहीं समझा। इश्क पहचान ना निस्बत सब फरेबे दिए भूला, ये मेरे वजूद की मैंने जो है इसने मुझे राजी से दूर रखा। हक्के इश्क अपना, सुंदर था जी, एक शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, बोलो श्री प्राण। हक्के इश्क अपना आखर लो निभाए, हम छोड़ के चले जाएंगे पर वो अपना इश्क है आखिर लो, अव्वल जहां वहीं आखिर होनी है, जहां से अव्वल शुरू हुई है आखिर कहां होनी है, वही भाई अव्वल कहां मूल मिलावे से हम बिछड़े हैं और आखिर भी कहां होनी है, मूल मिलावे में जाकर के होनी है, वहां तक राजीव राज अपना प्रेम इश्क निभाते रहेंगे और हम अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ेंगे। बोल तो ये सुंदर शादी प्रेम है, इसका मान, इसका ज्ञान, इसकी शान, इसकी इज्जत, इसकी बेइज्जती, ये हमको सला रही है, सला रही, सला रही, ये राजेश हमको दूर किए गए, मर सकती है तुम, ये भक्ति है, ये बंदगी है, ये तपस्या है हमारी कि हम शरीर के लेवल से अपना बाहर को भरें। इस समय खुदी से बाहर आ जाओ, ये मोमनों की भक्ति है जो दुनिया नहीं कर सकती और हम क्या कर सकेंगे, क्योंकि इस भक्ति का देने वाला कौन है, वो खुद हमारे वजूद की फ्रेम की मैं को हटा करके हमारे अंदर अपनी मैं बिठा रहा है, पर हम उसकी मैं को बैठने नहीं देते, वो लाड से भी बिठा रहे, प्यार से भी बिठा रहे, इनम से भी बिठा रहे, इश्क से भी बिठा रहे, और हम उनकी मैं को उसके तरीके को उसके प्यार को हृदय में बिठा नहीं, इतना सा फर्क होता है। लेकिन वो क्या करें, हक आखिर लो निभाए, वो बराबर निभाते चले जा रहे, वो अपन हम उनको नहीं कभी भी छोड़ रहे। अब ये सुख है जो राजीव महाराज के, वो कहते हैं ना राजीव महाराज क्या सुख देते हैं, ए सुख शब्द तीत के, अरे क्यों कर आवे जुबान बाले से, बाले कहां गई, बाला तो बताओ जरा, अरे मुझे नहीं समझाई तो मैं पूछ लेता हूँ, बाले से बस ब्रिज से, हमारा बालपन कहां से शुरू हुआ, ब्रिज से, ब्रिज से हमारा बालपन शुरू हुआ है, राजी से जुदा होकर के पहले बालपन में कहां आए, ब्रिज में, ये बाले से बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े सुहाग, ये है अक्षय तीर्थ का पहला इश्क, पहला प्यार, पहला सुख, और यहाँ के खुदा और यहाँ के भगवान कहो किसी अपने जो है शिष्य के पास या भगत के पास आके ठहरते, सुंदर साथी की पहचानी, पहचान के बिना काम नहीं चलेगा, अपने धनी को पहचानो, उस मालिक उस कसम जो है सराजी महाराज को पहचानो, ए सुख शब्द तीत के, ज्ञान के साथ क्यों करे आवे जुबान, बोलो बाले में साथ रहे कि नहीं, जवानी रासलीला में साथ रहे कि नहीं, और अब भी हमारे साथ है, ये सुख है कि हम कितने भी उनसे नफरत करते, हम कितने भी रहनी से कुरहनी में आते हैं, हम कितने भी वास्ते माया के स्वार्थ के खुद जो है राजी के रास्ते में आड़ा बनते हैं, लेकिन राजी फिर भी हमसे प्यार है, ये है उनका प्यार, और दुनिया वाले
हम उनको बहुत चाहते, हम उनको बड़ा प्यार करते, हम उनको बड़ा प्यार करते, और जरा सी बात है भाड़ में जाए इसका प्यार हम और से कर लें। यही है ना, जरा सा बात किसी से गलती मानो हो गई, अरे होगा, ये शरीर गलतियों का पुतला हो गई। फिर अगर हमने भी ऐसी गलती कर दी तो फिर हमारे में उसमें अंतर क्या, बताइए बताइए, मेरे से कोई भूल हो गई, मैं मानता हूं मेरे से कोई भूल हो जाए, आपसे हो जाए, और मैंने भी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर मेरे और आप में अंतर क्या है, फिर हम क्या जगे और तुम क्या सोए। सुंदर था जान, एक एक बात को जरा हित में रखो कि राजी कौन से सुख देते, ए चुकी शब्द तीत के क्यों कर आवे जुबान, बाने से बड़ा पे लगर मेरे सिर पर खड़े सुबान। जब इतनी पहचान भी हो जाती है तो भी खाओ ना लग्या अरवा को, तो भी ये कम वक्त फ्रेम जो शरीर वजूद अहंकार का बना हुआ है कि मेरी आत्म को चोट नहीं लगती होती है, ओ मेरे सुंदर साथ, ये ऐसा वजूद कम वक्त नामराज है, जब भी तुम्हें ये राज्य से जुदा करेगा, सुंदरता से जुदा करेगा, ये शरीर की मैं तुम्हें जुदा करूंगा, इसको काबू में, कि इतने राग इतने प्यार पल पल ब्रिज में हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया, वो हमें जबरन जबरन तट पे गुलाब ला करके अपना प्रेम देते हैं, और हम 11 वर्ष के बाद क्या कहते हैं कि तुम निर्लज है, तू बेशक रिश्ता थोड़ा टूट जाना, छोड़ दिया काम लाया का दोस्त, पहला श्रृंगार की धो मेरा वादा, तू तो चले गए योग माया के ब्रह्मांड में, और किशोर तन अति सुना नया बना लिया ताकि ये पहचान न सके, और होटो में रख दी बंसरी, तो जाए वृंदावन में बंसी बजाई और सखियां सवेरे बुलाए, जिसको हम कह दें तू मर्दा जो है, तू भी शरण है, बेहया है, वो भी हमें बुला रहा, ये सुख श्रद्धा थी, ये सुख शब्दा तीत के, ये है मेरे राज्य बनाकर संबंध निस्बत जो हम नहीं थे, ये निस्बत है राज्य बनाए की, ये संबंध है राज्य बनाए का, और आगे से अगर आदमी चलो मानो ढील पड़े में किसी को बुलाता है तो पहले जिसने गालियां निकाली हो बेशर्म शरे आम कहा हो कि तू बेशर्म है, ढीठ है, निर्लज है, कामी है, सब कुछ है, हम कुलवंती, हम तो कुलवंती, अरे भी तो कुलवंतियां थी जब जमुना तट पे गए, खाकर नहीं जाते क्यों जाते, जब तुम्हें पता था ये बदमाश है वो बंसरी बजाता रहे बदमाश वहां ना जाओ, जब तुम्हें पता लग गया कि वो बदमाश आदमी है फिर वो बंसरी बजाते बजाया करे बाहर में जाके ना, चाहे गौमंत रहा चाहे गधे का रहा, हमें क्या लेना देना, क्यों जाते थे, क्यों जाते थे उसके पास, लेकिन वक्त को क्या कह दिया, तुम ही सब कुछ हो, हम कुलवंती, हम पवित्र प्रार्थना, और कृष्ण कन्हैया तेरी बंसरी ने हमको सता रखा है, एक पटु वो है, एक अगर तू बंसरी ना बजाए तो हमारी जान छूट जाए, जान नगा हो सकी हो, मेरी बंसरी आपको सताती है तो आप पहले कह देते लो आज से बंसरी नहीं बजाई, उठाई और अंदर आप बंसरी नहीं बजी तो तड़पती, बंसरी बजती है तो चैन नहीं, और नहीं बजती तो तड़पना है, वो कम थोड़ा है, घर गए जाके पांव की झांझरी घूंघरी कांबी कड़ला, जो एक अलार्म बजाते थे घरों में बैठी सखियों को जानबूझ के दूर दूर से जो है सड़क से गुजर ठन ताकि गोपियों को पता चल जाए कि कृष्ण कहीं कन्हैया जी अब गौओं को लेकर के वन में जा रहे, तो जाते ही माता यशोदा को कहने लगे माता यशोदा अब 11 साल की उम्र हो गई है, क्या बेवकूफों की तरह तुमने मेरे पैरों में ये संगल बांध रखे झांझर घूमने, लो आज मैंने नहीं सकें, कल तक अच्छी रहे, क्यों सखियों को बुलाना था, अब जब इस ये भी कसी सखियों को सराती तले बाहर में जाओ इनको भी उतार दो, अब चुप्पे से निकल गए, पता किसी गोपी को चलाने के कृष्ण कन्हैया जी अभी गौ लेके गए हैं कि नहीं गए हैं, तो एक दूसरे से पूछ निकली मेरी आवाज को नहीं सुनाई दी, अगर बजाएं तो तुम दुखी और ना बजाएं तो तुम दुखी,
सुंदर साथ, ऐसा व्यवहार जिस आदमी के साथ कर दिया जाए, मानो वो हमें बुला भी ले तो प्यार आगे जितना करेगा कि ज्यादा के नाक चढ़ा के बोलेगा, बोलो बोलो बोलो। अरे ये बात गलत है, जब हम बात पूछे तो चुप कर जाते, चलो ज्यादा करके दिखा जरा किसी कह देना बड़ा आसान है, जैसा यहाँ दस्तर जने आके मनाएंगे, अरे बाबा बात को जाने दो कोई बात नहीं, सुंदर दाद है, माया ही है, जाने दो, अच्छा कर लूंगी प्रणाम बड़ा कहने जाता। हाँ जैसे हमने क्या है कि हमने तो दिल से थोड़ा ही किया, बड़ी हम अपनी चतुराई छाप करके हमने तो दिल से थोड़ा, लेकिन राजी के दिल को देखो, ब्रिज में जितना प्यार दिया उससे भी कोट गुना जा करके ये है मेरे राजी का इश्क। दुनिया किस खोपड़ी से सोचेगी, वो अतल तो लाया पहले इसको सोचने के लिए। सुंदर सातवी नासूत नाबूद की दुनिया के पास अकल भी तो नाबूद की है, वो सोचे कहां से, पर तुमको तो अकल जागृत है बुद्ध की, फिर भी ये सोच, फिर भी तेरे उदास तो लिया क्या, क्या लिया राजी की वाली से, क्या लिया उनकी रिश्वत से, और क्या लिया हमने उनके इश्क से। आज पंच रोशनी के पिघलन से अपने आप को हम सब तराजू में रखे, किसी की तरफ से इतने की जरूरत नहीं, हम अपने आप को इस तराजू पर रखें कि मैं अभी कितना उस पर पूरा उतर, तो भी घाव न लगे अरवा को जो देखे अलेखे एहसान। दुनिया वाला एक एहसान कर दे तो हम लाख बार कहते हैं भाई तेरे एहसान का हम शुक्रिया नहीं करते, और जिसने अलेखे एहसान किया किसकी तरह से आकर के, किसी को जागते में मिलते हैं, कईयों को सपने में मिल जाते हैं, कई हिल स्टेशन गए हुए होते हैं वहां भी उनको सपने में मिलते हैं, अभी तारतम्य नहीं लिया होता पहले से ही सपनों में आके मिलते हैं, क्यों भाई, जिसको ना हम जानते हैं ना पहचानने, मानो मैं प्रभु और हनुमान जी मेरे सपने में आए या राम भगवान सपने में, आप सोचने वाला सोचे कि भाई मैंने तारतम्य लिया, मेरा संबंध नहीं उनसे, मैं कुछ नहीं, और मैं हिल स्टेशन आया हुआ और मुझे सपने में मिल रहे, और वहां आके बता रहे अरे प्यारी अंगना तू मेरी दुल्हन है और मैं तेरा, फिर भी अकल नहीं आती, क्या हो कैसे हो गया, कहां से हो गया, कौन आया, किसने जगाया, ये कौन है जो मेरे स्वप्नों में आता है, कौन आकर के मुझे किसी के माध्यम से वाणी सुनाता है, कौन जो है मेरे घर के अंदर घुसा है जो मुझे वाणी सुना रहा है, किस तरह से मेरे कानों में ये वाणी पड़ रही है, कब सुंदर शादी हमने भेजा, कब हमने जाना, किस तरह से अनेखे एहसान, इंदिरा जी कहती है सुंदर शादी उसके अनेखे एहसान हमारे ऊपर है, हम उनके इन एहसानों को भी जान करके घाव ना लगा रहे, फिर भी हमारा इतना बज्जर बद काला पत्थर ये दिल हो चुका है पापी, कि फिर भी अपने धनी की उस रूप को पहचानता नहीं है, नियामत पाई ध्यान के साथ बोलो नियामत पाई बक्का हक की, बक्का शब्द का होता है अखंड, और हक का अर्थ होता है श्री राज जी महाराज, अल्लाह ताला जो उसके हक ताला कहते हैं मुसलमान लोग, उसी को जो है उन्हीं शब्दों से, क्योंकि वो अल्लाह ताला खाली हिंदुओं का नहीं ना वो मुसलमान, हर शेर दिन में ना कोई मुसलमान रहता है ना कोई हिंदू रहता है, वो तो यहाँ एक दूसरे के वजूदों से दुश्मन मरे बैठे, यही पर्दा है जो हमें खुदा की राजी की पहचान कराने से दूर रखता है, वहां पर रखे, अब सबको समझाने के वास्ते ये शब्द कॉमन भाषा के यूज किए गए, ज्ञान के साथ नियामत पाई, नियामत में तोहफा हमको मिला शिवराज महाराज ने ला के दिया, किसकी चीज का, बक्का अखंड परम धाम का, और हक श्री राज महाराज के स्वरूप की पहचान का, कर दई रूह पहचान, ऐसा तो भाई सुनानी का ला के दिया जिससे रूहों को परम धाम की जो आत्माएं हैं उनको ला करके उन्होंने क्या दी पहचान, उनको अखंड परम धाम बताया, उनको निर्घर के स्वरूप की पहचान कराई, उनको अपनी निस्बत की पहचान इस वाणी के माध्यम से अनेकों प्रकार से
जिस तरह से भी वाणी जिसके हृदय में उतरे उसी तरह से जो है हमको आकर के रूहों को जो बंधन की आत्माएं हैं उनको पहचान कराई है। नगर सेना कल बताया था नगर का सन नगर सेना कारी मुझे अव्वल से आज दिन इंद्राती जी के तन में बैठी हुई कह रहे अव्वल से कहां से बोला ने ना आपको बता दिया अव्वल कहां से जिस दिन से हमारी आत्मा हमारी रूह परमधाम से अर्ष दिन से खेल में उतरी है उस दिन से लेकर इंद्राती कह रही आज दिन तक मैंने भले उनको अपने से दूर रखा अपनी नजर में भी नहीं लिया पर उन्होंने अपनी निकट की नजर कभी भी मेरे से दूर करी कभी नहीं सकते वो नहीं कर सकते क्योंकि उनका स्वरूप हम है वो हमारे स्वरूप है हम उनके वो हमको नजर से जुदा नहीं कर सकते और हम इस फरेबी फंड इस माया के वजूद के होते होते अगर इसकी मैं खुदी को नहीं मारेंगे तो कभी भी हमारी नजर माया से हट के राज्य के चरणों में जा सकती सुंदर साहब जी आखू को हम क्या तराकियां करते हैं इधर आए राज्य मरा के मन बैठे उधर गए तो उनको जाकर के खुद सबसे पहले बड़े प्यार से उनके चरण दबाएंगे चरण दबाएंगे उनके खाने खिलाएंगे उनको छुप छुप के जाकर के बाजू से भजन सुनाएंगे और फिर आके उनकी शिकायत करते वो कहते हम तुम नहीं कैसे कैसे प्रेम ओ सुंदर साहब कैसे कैसे काले दिलों से हम धोखे दे रहे किन को सुंदर साहब चिंता न करो धनी न जाए जो किनसे वो तुम्हारी काली करतूतों को देख रहा के वजूद के प्रेम को अच्छा बनाने के लिए उधर भी अच्छे इधर भी अच्छे ताकि हम अच्छे बन के दुनिया में रहे चिंता न करो एक पिटारे के होते हुए अच्छे बन जाओ जो कालक तुम्हारे मुंह पर कूदेगी शायद वो किसी पर नहीं कूदेगी क्योंकि स्वामी जी ने कहा एक मुनकर होता है एक मुनाफिक होता है और एक मोमिन होता है मोमिन तो जो अक्ल यकीन मर सकता है यकीन नहीं छोड़ सकता उसको मोमिन कहते हैं और मुनकर कौन जिसने ईमान लाना नहीं पता है ये तो मुनकर है उसकी भी चिंता कभी ना करनी पता है ये तो विरोधी मुनकर है जिसने मानना ही नहीं खतरनाक कौन होता है जो मुनाफिक होता है यही चीज मोहम्मद साहब के साथ हुई थी क्योंकि कुछ लोग अच्छे बनने के लिए अबू जहल के राज में जो रहते थे अबू जहल के पास जाने तो उनके गुनगाए और मोहम्मद साहब के पास जब आए तो उनके गुनगाए तब जब है अल्लाह ताला से प्रार्थना की रसूल साहब ने कहा मेरे अल्लाह ताला जो मुनकर है उनसे तो हम कभी घबराते नहीं वे पता है ये मुनकर है मेरे खिलाफ कोई चिंता की बात नहीं जो मोमिन है वो हमारे साथ खड़े ये जो बीच के वाले है ना इनका क्या इदार किया जाए कहेंगे चिंता ना करो अब ऐसे करना जो इब्राहिम के साथ हुआ था वो इनके साथ कहने क्या कहने क्या जो भी ये मुसलमान तेरे कलमा को ले उनकी इतने नीचे काट दे और उधर से दाढ़ी काट दे ये सदा इब्राहिम को मिली थी और ये इनको लागू कर दो ताकि ये मुनाफिक अब अगर जाएंगे अबू जहल के पास तो डंडे मार मार के इनको निकाल दिया था परंतु तो मोहम्मद का है तब इनके हाथ रोटे वहां से टूटेंगे अब स्वामी जी कहते हैं ये हुई तो किन के रास्ते थी या मुसलमानों ने शरीयती बना ली अरे बाबा ये तो सजा मिली हुई है ना कि खुदा के रसूल की पहचान ही ये तो इब्राहिम को सजा दी थी और वही सजा किन के रास्ते है मुनाफिकों के रास्ते है जो गंगा गए तो गंगा जय गंगा और फिर हम चंगे के चंगे और दूसरों को बनवाते हो मोमिनो तुम्हारा हाल क्या हो गया एक मजदूर की बात है अच्छा भी कर जाते हो जो अच्छा बनाना चाहते हो शायद उतना ही बुरे बन गए हो रहा किसी संभालो अपने आप को पहचानो इस फरेब के फंदों से यकीन लो लेकिन के लो आतम को पहचानो आतम के हमद मालिक उस धनी को पहचानो फिर बदले इस फना के ये वजूद है ना मिटना तारीख का मिटना और आंखों से देख रहे जा रही यही उस विकरण में आता है वजूद और देह जब जुदा होते जीव और देह तो देह बताती है और कमबख्त जीव तुझे पता था
कि मैंने तो जाना है, तेरे सामने रोज हजारों अर्थियां निकली थी, लेकिन तूने क्या जाना नहीं और इस मिट्टी की शान में लगा रहा, मेरी शान मेरी इज्जत हो। कमबख्त तू भी चला गया और मेरा तो हाल यह होना ही था। तो सुंदर साहदी अब तो जा दो अर्थों पर जानो से राज्य बनाए, ताकि हमारे बाकी बचे हुए सांस जो है वो व्यर्थ प्रेम में ना चले जाएं और हम राज्य के स्वरूप की पहचान करें। तन असल आवाज उधर हो चुकी होगी, नजर से ना बोलो ना गाड़ी मुझे अव्वल से आज, ये है मेरे राज्य का काम। हम राज्य को भले अपनी नजर से हटके भागे जाएंगे पंडितों के पास, लो हमारे मालक कौन बने बैठे हैं, पंडित जी देखना जरा अब पंडित के पास क्या है, 11 ग्रह उसने संभाल के रखे 9 ग्रह, बस उसी को चढ़ेगा और उसी को उतारेगा। भाई उनका धन संसार है, इसमें पंडितों को बुरा मत गिनो, ये भी बहुत बड़ा गहरा विषय है। कभी शास्त्र का जिस दिन चर्चा चले तो बताएंगे ये ग्रह कहां से चले और पंडित साथ क्यों चिटके। अब वो क्या करें, कोई खेती है नहीं, कुछ है नहीं, उन्होंने इसी विद्या से जो है अपना उनका जीवन निर्वाह का कारण लिखा है। अब चले जाओ पंडित के पास, हाँ भाई ठीक तो हो जाएगा, ढैया है तेरे ऊपर, ढैया पंसेरी भी गुड़ बांधते ना हमारे किसान लोग, एक ढाई ढाई की बेली बांधते हैं, 5-5 सेर की बांधते हैं, ना हो तो पंडित जी के कोल पर चले जाना शायद शुरू हो गया, नहीं तो कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। वो क्या बनाएंगे, सनिचर की ढैया, पर थोड़ी सी बाकी है, पर तुम्हारे मतलब मंगल बिल्कुल तैयार बैठा, जैसे वो उतरेगा तो मंगल मिल जाएगा। यही पंडितों से लेना कुछ और यही है पंडितों के पास। और राती को छोड़ करके आप उनके पीछे भागते हो, मोमिनो तुम्हारे विश्वास को यकीन को हो क्या गया, ये मंगल संगत प्रेत मंगल है क्या, जहां अक्षरातीत राजिमरा की वाणी गर्जना करती है, जहां अक्षरा शर्मा जी का नाम स्वरूप साहब तुम्हारे घर में है और सवेरे उठ के ये एक आवाहन कर दो आओ जी वाला, वहां ये मंगल चंगल खड़े रहेंगे। इतने हम प्रेम में धस गए कि राजी का यकीन ही छोड़ बैठे, राजी महाराज को हमने मंगल सनीचर के ग्रहों से भी हल्का पुतला सा नहीं रखा। लेकिन वो क्या कहते हैं, नजर से ना काड़ी मुझे अव्वल से आज दिन। तो फिर सुंदर साहब जी शाम को जिस समय विकर्मा करते बहनों से नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने तो बोलना नहीं होता, भाइयों से कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे साथ साथ बोलते हैं, मैंने समझी शायद मेरे साथ पढ़ देंगे तो कोई पाप चढ़ जाएगा, उनकी आवाज कभी नहीं कानों तक आती, उनकी बातों की हम विकर्मा जरूर करते हैं, चल भी रही है विकर्मा में, उनके नोलॉजी की विकर्मा चलती रहती है, अपने नोलॉजी के अपने आराम होते रहते हैं, तीसरे माताओं से तो कुछ कह नहीं सकते, भाइयों से जहां नजर होंगे क्या, भाई नजर का चल रहा है ना, नजर के नजर से ना घड़ी मुझे लिखा है, तो जहां नजर आमेर और जहां मेर आप, जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेर, और लेना क्या चाहते हो, लेना क्या चाहते हो, ये उस आदमी का गुण है जो तुम्हारा खामुद राजीव राज अल्लाह ताला है, कि वो कभी भी हमको अपनी नजर से जुदा। अब ये बताओ सुंदर साहब जी, अल्लाह ताला बड़ा कि मुर्गी बड़ी, ये बताओ अल्लाह ताला बड़ा कि मुर्गी बड़ी, एक मुर्गी के 12 चूचे होते, ये बच्चे छोटे छोटे चूचे जिसको बोलते हैं, अब वो लेकर के उनको चलती बना ली और वो चू 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 करते करते को उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, देखते रहते और अपना भी दाना खाते रहते, उधर भी देखते रहते, दूर से वो देखती कि बिल्ली आ देखती एकदम पर कब तक चू 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 करती रहेगी, जब तक 12 के 12 को अपने परों में न रखने के शुक्र किया, खुद बिल्ली की खुराक बन सकती है पर बच्चों के लिए। अगर एक बिल्ली की नजर एक मुर्गी की नजर 12 बच्चों के साथ बराबर रहती है
तो राज्य हमें अपनी नजर से निकाल दे। जो पार ब्रह्म है, जिसकी परिभाषा लिखी है कि माल के दो जहां रबर आल मील है, जिनके एक हुक्म के इशारे से करोड़ों ऐसे माया के ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, और उनकी जो अंगना है, क्या वो अपनी अंगना को नजर से निकालेगा? और वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, और हमारी नजर मंगल और श्री चल चले। अजी हमारे घर किसी ने संदूर फेंक दिया था, बाहर में जाए संदूर फेंक दिया, तुम उठा के नादी में फेंक दिया, हमारा दम खुश कर। हमारे घर पुड़िया निकली है, कुछ निगराई है क्या? मतलब की है तो रख लो, नहीं मतलब की था ना, मैं दम खुश हो गया। किसी ने संदूर, अरे मर गया, संदूर निकला, अब पता नहीं इसको हाथ लगाए कि ना लगाए। अगर संदूर को हाथ लगाना पाप है तो मान में क्यों करते? सुंदर साथ ये भुलुनी का ब्रह्मांड है, ये माया तुम्हारा ईमान खोने के लिए 36 प्रकार के भूत बन के आएगी, ताकि मोमनों का ईमान छीन ले। माया को हुक्म मिला हुआ है, ये तुम्हारा बरखिलाफ टीम है, उसको हुक्म है क्या भाई? ऐ माया, तेरी जीत हो जाएगी कब? जब तू मेरे मोमनों का ईमान छीन ले। अब वो देखती है नहीं, इनके अंदर रोज चर्चा ठूसम ठूस कर रही है, ये नहीं असर होता। अच्छा चलो इनके घर, बस आया मंगलवार, आया सुनीता पड़ोसी के घर में बैठी के दो कौड़ियां एक संदूर की पुड़िया इनके घर थे। बस जहां दो कौड़ी एक संदूर की पुड़िया घर में निकली, तो मोमनों का ईमान और राज्य महाराज खत्म। चलो पंचों के घर, मेरे छोटे काके को बुखार है, पता नहीं कुछ हो रहा है, पढ़ने नहीं हो रहा है, कैसे? अरे बात करने का भी दम निकल गया था संदूर को देखकर। ये सुंदर सा जी, ये माया जो हमारे ईमान को छीनती है, जो हमारे यकीनों को खा जाने वाली है, कुछ समझो ध्यान के साथ है। नजर से ना आते नहीं कहेंगे, क्योंकि अब जो के घर में फिर से दूर निकल आया तो वो क्या करेंगे? नजर से ना, ये किसके नाम लिखे हैं? किसी महाराज जी के नहीं, किसी पंडित विद्वान के नहीं, किसी आचार्य के नहीं है, ये अक्षरा ब्रह्म की श्री मुखला, उसने अपने हस्ताक्षर किए। अवर सेना नजर सेना कारी मुझे अवर से आज देना, क्यों कहूं मेरे महबूब की जो करत है ऊपर मारे हजार के ऊपर उनकी नजर हर वक्त बस रही, हर वक्त है मेहर मोमनों की, मोमनों के ऊपर से राजी हो रही है। अब ध्यान के साथ, क्यों हो रही है? सवाल यह भी क्यों हो रही है? तन असल तले कदम के और उपजिया तन सपना, दो तनों की बात हो रही है। तन असल तले कदम के और उपजिया तन सपना, असल से सपने वाला तन बनता है या किसी और का? हम रात को सोते हैं तो असल तन से सपना होता है कि नहीं? तो सपने के समय में असल की जितनी शक्ति होती है वो सपने वाले के साथ अटैच हो जाती है कि सोने वाले के साथ? भाई सुंदर सा जी, बड़ा सरल सा विषय, नहीं समझे? तन असल तले कदम के और उपजिया तन सपना, असल तन कहां है? मूल मिलाने में चरणों के तले। ये तन हमारा सपने में बना तो इसके अंदर हमारी पर आत्म की सारी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जितनी भी चेतनताई है वो नजर के द्वारा इसमें आई हुई है कि नहीं? तो जहां नजर है वहां राज्य है कि नहीं? जहां राज्य महाराज है वहां कुल मेहर है कि नहीं? तो कैसे कहते हो कि राज्य कुल से? पर माया
के अंदर अवराज जी महाराज ने जब देखा कि भाई मोमिन तो लगे जगने तो माया तो कह रहे कमबख्त माया तेरे ये अब ये संदूर पंदूर तो कुछ नहीं करेंगे। तो कहने की चिंता ना करो, मैं इनके मंदिरों में भागवत लेके बैठती हूँ तो राजी को नहीं पड़ेगा, भागवत पड़ेंगे। अब फटाफट माया ने जो उनको खड़ा कर दिया, चल भागवत उस मंदिर में, चल भागवत उस मंदिर में, चल भागवत उस मंदिर में। तो राजी कहां चले गए, और कौन पड़ा हो गया, व्यास है। और व्यास कहां है, माया में। तुम कहां रह गए, ये माया तो बस है, किसी पर दोष नहीं देती, क्योंकि हमारा यकीन राजी महाराज की वाणी से उठ के किसके साथ ब्रिज का दिखा दिया, इतने पर सबर करो, पर हमारा सबर हुआ नहीं था। और अब इतना है कि जीते तो हैं, जीना तो चाहते हैं, पर रोते रोते दिल के अंदर राजी की बातें छुपाते हैं, पर दिल ही कमबख्त है, फट गया है, अब थक गए हैं हम इसको सीते सीते सी अभी ऐसा फट गया है। होते ना प्लास्टिक की डिब्बी, जब तक तो रहती ठीक ठाक ठीक रहो, फिर फटी नहीं तो इधर से तो इधर फटेगी, इधर से तो इधर फटेगी, और सब कुछ गिर जाए। दिल में छुपा के तेरे गम रखे थे वो धनी, ऐसा दिल फटा है, अब सीना तो चाहते हैं पर हम थक गए हैं इसे सीसे, जीना तो चाहते हैं पर मर गए हैं हम जीते जीते, जीना चाहते हैं पर मर गए हैं आप जीते जीते। दिल इस तरह से अब फट चुका है, अब थक गए हैं इसको सीते सीते, कहीं पर टुक्की भी लगाने की जगह नहीं रह गई है, ऐसी बुरी हालत। कहे मैं आया कौन, श्यामा जी ने कहा मुला मिलाप की बातें कराने, दाप की बदारी अपने सुंदर साथ को, मेरे सुंदर साथ परम धाम की आत्माओं मुझे श्यामा जी आकर के मिले, और उन्होंने मुझे प्यार से क्या संदेशा तुम्हारे लिए दिया है, मैं वो संदेशा तुम्हें सुना रही हूं। कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप, आप हमारा सबका है, आप कौन, राज्य महाराज धाम के दुला ने हमको भेजा है, ए नियामत हक के खावन संदेशा भेजता है, तो बीवी को दिल की खास बातें भेजता है। तो आ करके अब श्यामा जी कहते हैं ये राजी महाराज ने अपने दिल की बातें तुम्हारे पास भेजी है, जो कि जो इंद्राती हम सुंदर था को क्या कह रहे हैं, ए नियामत हक के दिल की सोई जाने दई है, हुक्में भेज के देने लाखों के निशान ताकि हम भटके नहीं। अगर ये सब कुछ था तो एक बात को लेकर के सतगुरु देवचंद जी चले थे, जब भया बस अज्ञान तब मन को कुछ में विचार, मैं कौन कहां से आ गया, कहां है मेरा भरतार। 14 साल भागवत के बाद श्री राजीव राय का अवेश रूप जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया, 2 प्रश्न किए कि मैं कौन और तू कौन, तेरा घर कहां, तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन ससन की, दृढ़ कर कहो वचन। क्या देवचंद जी उत्तर दे सके, कुछ उत्तर नहीं, क्या कर लिया भागवत ने, क्या किया भागवत ने, जो भागवत भाव से पार कौन है उस वृंदावन का वर्णन नहीं कर सकता। सुंदर साजी जो माया का ब्रह्मांड था वहां वृंदावन पहले कभी नहीं था, कभी नहीं था, नया वृंदावन बनाया जब अक्षर ब्रह्म को लीला दिखानी थी, वहां कोई कृष्ण बांके बिहारी था नहीं, योग माया का तन बांके बिहारी का बनाया, पार ब्रह्म अनादि अक्षरातीत है, बांके बिहारी अनादि अक्षरातीत नहीं है, उसके तन को बनाया, वृंदावन को बनाया। खोलो वाणी, जेने अजवालो
आप करो परखो पुरुष की बार, नौतन वृंदावन नौतन चांदरो नौतन जमुना तक सार। ये बनाया था नहीं तो। और फिर इस प्रतिबिंब की लीला में जो जीव थे कुमार का सखे के, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए गौलोक से भक्त शक्ति आई और तन इस विष्णु भगवान का था जो अभी भी है, उसकी लीला को व्यास जी ने भागवत में लिखा। तो ज्यादा से ज्यादा कृष्ण हमें कहां ले जाएगा? योग माया को, जहां वो अखंड है। और उसके लिए स्वामी जी ने कहा कि सुंदर साहब तुम ना भूल जाना, श्री कृष्ण गोपी रास लीला, श्री कृष्ण गोपी रास लीला खेले अविनाशी। कृष्ण और गोपियां कहां है? भक्त वृंदावन में है। और लीला उनकी क्या है? भक्त रास की रात्रि वो अखंड नित्य वृंदावन में है, जो रास खेली गई थी केवल ब्रह्म में और अखंड हुई सब ने, उससे आगे उनको कोई सुध नहीं। विचार करिए, विचार करो, ये कोई विरोध नहीं है। अगर सुंदर साथ को परम धाम का ज्ञान देना ही पाप है तो हम इस पाप को हम सच के करने के लिए तैयार, क्योंकि मेरे धनी का प्रमाण है, भूली रहा बतावसी, भूली रहा बतावसी उसी बड़ो स्वाहा। जो परम धाम की आत्म ब्रह्म स्थिति को रास्ता बताएगा, धनी जितने उस पर कुर्बान होते हैं वो किसी पर नहीं, क्योंकि वो यहां परेशान थे किन के लिए कि उनकी आत्माएं जहां माया में आकर के भूल चुकी थी। उनको सीधे रास्ते में कोई दुनिया लगने नहीं देती, क्योंकि दुनिया वालों को ज्ञान सुना करके पैसा चाहिए, और राजी के दर्द लगाने वाले को सुंदर साथ में फना होने का दर्द है कि मेरा प्यारा सुंदर साथ माया में आकर के जो धनी को भूल बैठा है वो किसी तरह से धनी के स्वरूप को पहचान नहीं। किस जगह जाकर के हमारे निज सुख घर में पड़े हैं, हम उनसे दूर होकर के झूठ के वजूदों को, झूठ के सुखों को, झूठ की अभिलाषा को और झूठ की जो है मान्यता के नाते अपने आप को सुंदर साथी बना कर रहे हैं। लोकप्रियता के रास्ते हम कितने कितने झूठे अडंबर बना रहे हैं। लोकप्रियता वजूद को मिली है और ये वजूद साढ़े सात नम लकड़ी में जलते सत्य की पहचान करो। सच्चिदानंद श्री राज्य महाराज तुमको मिले हैं, तुम्हारे वास्ते हर वक्त अपनी नजर तुम्हारे ऊपर बिछा रखी है उन्होंने, और उनकी जहां नजर है वहां वो खुद है। जीव रातों जीवे नहीं क्यों मीठे।
सतगुरु महाराज की।